नाम क्या है बेटा इस वाले टॉपिक का, टॉपलिंग। तो चलो आओ देखते हैं टॉपलिंग के अंदर आखिर होता क्या है। पहले समझ टॉपलिंग क्या है। जैसे मान ले मेरे पास में बॉटल है, बॉटल हमारी एकदम जबरदस्त एग्जाम्पल का काम करती है। तो मैंने बॉटल ली, बॉटल को ऐसे रखा अपने हाथ पर, नीचे से फोर्स लगाया तो बॉटल चल रही थी, बहुत मजा आ रहा था, ठीक है। पर यही जब मैंने इस बॉटल पे थोड़ा सा ऊपर फोर्स लगाया तो ये घूमने लगी, यहां फोर्स लगाया तो कम फोर्स पर भी घूम गई, ये क्या हो रहा है? तो ये इसको टॉपलिंग बोलते हैं। नीचे फोर्स लगा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रखी हुई थी बॉटल, ऐसे फोर्स लगा रहा था चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, पर ऐसे मैंने खड़ा किया और ऐसे फोर्स लगाई तो चुन्नू मुन्नी सी फोर्स से घूम गई। तो घूमने का क्या मतलब है? इस घूमने का मतलब यह है बेटा कि आपको यहां पर थोड़ी सी मेहनत करके इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा और ये फोर्स निकालनी पड़ेगी जिसके ऊपर आपकी बॉटल जो है वो टॉपल हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा जब बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं, बड़े बड़े कंटेनर, जैसे मान ले फ्रिज आया, ठीक है, फ्रिज का डब्बा आया नया नया एकदम कार्टून के ऊपर, आपने उठाया, आपने ऊपर फोर्स लगा दी, पता लगा फ्रिज ही पलट के नीचे गिर गया। आप लोग हमेशा नोटिस करिएगा जब भी फ्रिज वगैरह और ऐसी चीजें आती हैं तो उसको जब वो फोर्स लगाते हैं ना बेटा तो नीचे की तरफ से पुश करते हैं, नीचे से पुश किया जाता है, ना कि ऊपर से। ऊपर से ऐसे धक्का मारो नीचे गिर जाएगा यार, तुम्हें भी ऊपर से धक्का मारूंगा तो नीचे गिर ही जाओगे, तुम्हें तो नीचे भी धक्का मारूंगा तो नीचे गिर जाओगे। तो इसमें भी अगर आप लोग बहुत हैवी फोर्सेस लगा दो तो ये भी टॉपल हो गई। पर हम लोग किस टॉपलिंग की बात कर रहे हैं? इस वाली टॉपलिंग की, उसी के बारे में आप लोगों को समझना है। तो बहुत ध्यान दीजिएगा टॉपलिंग के अंदर आखिर होता क्या है। जैसे मान ले मेरे पास में एक ब्लॉक रखा हुआ था, है ना, क्यूब था बेसिकली। ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक हमेशा एक क्यूब ही होता है बेटा। तो इस क्यूब की बेटा अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, बढ़िया फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्मूथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। हम लोगों ने मान लो इसकी साइड जो है वो 4 मीटर ले ली, ठीक है, और बेटा एक फोर्स जो है वो हम लोगों ने यहां पे अप्लाई कर दी इस वाली पोजीशन पर, ठीक है। ये वाली जो पोजीशन है ये आपकी ग्राउंड से 3 मीटर की ऊंचाई पर थी, ठीक है भाई। अब ये जो क्यूब था इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर आप लोग अच्छे से जानते हैं कि नीचे को क्या लग रहा होगा बेटा, mg लग रहा होगा, और ऊपर को यहां पर क्या लग रहा होगा बेटा, आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो लग रहा होगा। तो n लग गया ऊपर, mg आपका लग गया नीचे, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं थी। और हमें ये बात साफ साफ दिख रही है कि अगर हम लोग टॉर्क ऑफ नॉर्मल और टॉर्क ऑफ mg लिखेंगे तो वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां से मैंने फोर्स लगा दी लेट से कितनी, हम लोग मान लेते हैं 2 न्यूटन। कितनी फोर्स लगा दी बेटा, मान ली मैंने 2 न्यूटन की फोर्स यहां से अप्लाई कर दी। तो ये जो 2 न्यूटन की फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं उसका टॉर्क भी जीरो है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जबकि नॉर्मल और mg का जो टॉर्क है वो तो कैंसिल आउट हो रहा है ना, सेंटर के अबाउट ही लिख लेते हैं अपन लोग तो सारी चीज। तो अगर हम लोग देखें बेटा, टाओ नॉर्मल इज इक्वल टू टाओ mg, और इसी के कारण हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, इनका तो टाओ नेट क्या हो गया बेटा, जीरो। इनका तो टाओ नेट क्या हो गया, जीरो। बट टाउ 2 न्यूटन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो बचेगा, सिस्टम के अंदर तो सब कुछ ही है। इन दोनों का तो कैंसिल आउट हो गया, नॉर्मल का टॉर्क mg का टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में, और अगर तू सेंटर के अबाउट ही लिख रहा है तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। फोर्स ही तेरी सेंटर से पास कर रही है तो उनकी तो वैल्यू ही जीरो हो जाएगी, तो इसीलिए इन दोनों का तो जीरो आ गया। पर टाउ 2 न्यूटन का टाउ भी जीरो है क्या? नहीं सर, 2 न्यूटन का टाउ तो जीरो नहीं है। अब 2 न्यूटन का टाउ अगर जीरो नहीं है तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे में क्या होता है बेटा, नॉर्मल जो होती है ना वो अपने आप को शिफ्ट करती है अपनी जगह से। ऐसे में क्या होता है, इस ब्लॉक को ना पलटने देने के लिए आपकी जो नॉर्मल फोर्स होती है ना वो अपने आप को सेंटर से कहीं पे शिफ्ट कर लेती है और बोलती है कि अगर 2 न्यूटन का टॉर्क मेरे को किसी एक डायरेक्शन के अंदर घुमाने की कोशिश करता है तो मैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर इसको घुमाने की कोशिश करूंगी, और ये कोशिश करूंगी कि नेट टॉर्क क्या कर दूं, जीरो, जिससे कि ये जो ब्लॉक है ये घूमे नहीं, जिससे कि ये जो ब्लॉक है ये घूमे नहीं। तो अपन लोगों ने क्या किया, उठा के हमने नॉर्मल को बेटा शिफ्ट करा दिया। मान लो नॉर्मल जो है बेटा वो एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हो गई। क्या मान लिया मैंने? नॉर्मल जो है वो एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हो गई। तो ये आपकी शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल आप लोग यहां देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा आप लोग? शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल यहां पर देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त एक नया कंसेप्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। हे भगवान, क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमने नॉर्मल को क्या करा दिया बेटा, शिफ्ट। ये आप लोगों के नई वाली नॉर्मल आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये हो गई बेटा शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट होके आपको पलटने से बचाती है, नॉर्मल शिफ्ट होके आपको पलटने से बचाती है। अब तू देख, सेंटर के अबाउट अगर 2 न्यूटन का टॉर्क लिखेगा तो ये वाली हाइट कितनी हो गई तेरे पास में? 1 मीटर हो गई बेटा, ठीक है। और नॉर्मल लग रहा था सेंटर से एक्स दूरी पर। तो अगर हम देखेंगे इस 2 न्यूटन का टॉर्क, 2 न्यूटन की डायरेक्शन यह है, तो आर क्रॉस एफ अंदर है ना, नेट टॉर्क जीरो करना चाहती है नॉर्मल, और नॉर्मल का टॉर्क किधर है देख, एक्स इधर है और नॉर्मल ऊपर है तो बाहर, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे,
दोनों ऑपोजिट में लगे, इसीलिए नेट टॉर्क यहां पर जीरो आ सकता है, एंड इन दैट केस ये वाला ब्लॉक जो है ये पलटी नहीं मारता, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि ब्लॉक ना पलटे, हम लोग अगर चाहते हैं कि ब्लॉक ना पलटे, तो फॉर नो टॉपलिंग हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं कि बेटा टाउ जो आपके 2 न्यूटन का लग रहा है, दैट शुड बी इक्वल टू द टाउ ड्यू टू नॉर्मल, जो शिफ्टेड नॉर्मल है उसका, ठीक है। 2 न्यूटन का टाउ कितना है बेटा, 2 × 1 आर क्रॉस एफ, वही किया है, डायरेक्शन अंदर है ये भी हम लोग जानते हैं, इसीलिए डायरेक्टली मैंने इक्वेट कर दिया, क्योंकि नॉर्मल की डायरेक्शन क्या है बेटा, बाहर को नॉर्मल के टॉर्क की, और इसके टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, अंदर को। तो डायरेक्टली आप लोग इक्वेट कर सकते हैं, या फिर आप लोग क्या लिख सकते हैं, टाउ नेट इक्वल्स टू जीरो। तो एक नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, अपने आप ही जीरो की डायरेक्शन में जब वो जाएगा तो साइन उसका चेंज हो जाएगा। तो 2 × 1, और नॉर्मल का टॉर्क क्या हो गया बेटा, एन एक्स, एन की वैल्यू, अगर मान ले इसका मास जो है वो मैंने 2 किलो ले रखा है, मास कितना ले रखा है, मान ले मैंने 2 किलो के बराबर ले रखा है, तो नॉर्मल का टॉर्क क्या आ जाएगा बेटा, 20 × x, बोलो आएगा। और यहां से बेटा आपके x की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताना जरा, 2/20, मतलब कि 1/10 meters, बोलो दिखा के नहीं सबको, ठीक है। 1/10 मतलब 0.1 meter जो है वो आपका नॉर्मल जो है वो सरक जाएगा, और बेटा इसके नेट टॉर्क को बैलेंस कर लेगा, जो 2 न्यूटन का टॉर्क आ रहा है उसको बैलेंस कर लेगा, मतलब कि ये टॉपल नहीं होगा, ठीक है। अब आपको अगर कोई ऐसा बोले कि मैं कितनी मैक्सिमम फोर्स लगा सकता हूं जिससे कि ये ब्लॉक ना पलटे, जिससे कि ये ब्लॉक ना पलटे, और उसकी वैल्यू मुझसे कोई निकलवाए, तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने क्या बोला कि बेटा मिनिमम या मैक्सिमम फोर्स फॉर विच ब्लॉक डज नॉट गेट टॉपल्ड, तो अगर मैं वो मैक्सिमम फोर्स निकालना चाहूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप ही बताओ, सोचो जल्दी से। मैं वो मैक्सिमम फोर्स निकालना चाहता हूं जिस पर कि हमारा ब्लॉक जो है बिल्कुल भी उसकी टॉपलिंग जो है बेटा वो ना हो। तो इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट दैट फोर्स, तो इन दैट केस क्या होगा बताओ, उस फोर्स को निकालने के अंदर बेटा हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग जो है वो लगाना पड़ता है। अब मैं 2 न्यूटन की जगह इसको एफ मान लेता हूं, और नॉर्मल को तू मैक्सिमम कितना शिफ्ट कर सकता है, सर मैं नॉर्मल को मैक्सिमम यहां से लेकर यहां तक शिफ्ट कर सकता हूं, और ये अगर टोटल 4 मीटर लेंथ थी तो यहां पर ये टोटल मेरे पास में 2 मीटर लेंथ आ जाएगी, तो मैक्सिमम नॉर्मल की जो शिफ्टिंग है वो 2 मीटर पर हो सकती है, और मेरे पास में जो ये सिस्टम बनेगा कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। फोर्स की लोकेशन बेटा मैं यही रख रखा हूं, 1 मीटर ऊपर लगा रहा हूं, ठीक है, और पर इसकी वैल्यू जो है वो मैंने क्या ले लिया आपकी बार, एफ ले लिया, गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और आपका नॉर्मल पूरा का पूरा बेटा एज के ऊपर शिफ्ट हो गया, इसके बाहर नॉर्मल जा ही नहीं सकता, हवा में थोड़ी ना लगेगा, नॉर्मल आपका मैक्सिमम कहां शिफ्ट हो सकता है, आपकी एज के ऊपर जा सकता है। इस एक्स की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, 2 मीटर, इससे बड़ा हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि नॉर्मल बॉडी से बाहर तो निकलेगा नहीं, तो अगर नॉर्मल बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, ये वाली फोर्स इसको अंदर की तरफ टॉर्क देगी, नॉर्मल इसको बाहर की तरफ टॉर्क देगा, तो इनको बैलेंस ही तो करना है और कुछ थोड़ी ना है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाली डिस्टेंस हो गई आपकी 2 मीटर, ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी थी बेटा, 1 मीटर, बोलो ठीक है, नहीं बिल्कुल थी सर। तो हम लोगों को अब इनके टॉर्क जो है वो बैलेंस कराना है। अच्छा, नॉर्मल की वैल्यू 20, 2 किलो का ब्लॉक है तो नॉर्मल की वैल्यू 20 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बेटा एफ इंटू वन, मच्छर कहां गया, कहीं फंसा हुआ नहीं है, निकल गया है, मेरे हाथ में घुस गया, अंदर तो नहीं घुस गया काट के, नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो एफ इंटू वन, ये तो आपके फोर्स का टॉर्क आ गया, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट बेटा, 20 × 2, यस और नो, पहले बोलो ये बात समझ में आई, हाँ सर, क्योंकि आर क्रॉस एफ नॉर्मल का, यानी टॉर्क ऑफ फोर्स एंड टॉर्क ऑफ नॉर्मल शुड बी बैलेंस, तो यहां से आपके पास में जो बेटा एफ की वैल्यू आएगी वो बेटा 40 न्यूटन आ जाएगी, मतलब तुम मैक्सिमम 40 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लगा सकते हो जिस पर ये नहीं पलटेगा। अगर तूने 40 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगा दिया तो पलटी आ जाएगा। तो दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच इट विल नॉट पलटो, और अगर आप लोगों को पलटाना नहीं है तो आप इसे फोर्स क्या देंगे, लेस देन और इक्वल टू 40 न्यूटन, समझ गए, मैक्सिमम फोर्स है ना बेटा, तो इसीलिए हमने बोला इससे कम फोर्स अगर देते हो तो नहीं पलटेगा, और इससे ज्यादा देते ही पलटी मार जाएगा, तो आपको पलटाना नहीं है किसी भी हाल में, इसके साथ क्या नहीं होना चाहिए बेटा, ये पलटना नहीं चाहिए, और अगर पलटेगा नहीं तो हमारा काम चल जाएगा, चलता रहेगा, समझ गया बेटा। तो इस वाली चीज को थोड़ा सा आप लोगों को एनालाइज करना होता है और समझना होता है कि किस तरह से हम लोग इस चीज को समझें कि भैया हमारा जो ब्लॉक है वो पलटे नहीं, और अगर हमारा ब्लॉक नहीं पलटा तो हमारा काम जो है बेटा वो पूरा हो गया।
तो इस चीज को समझें कि आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे ही आप लोग इस चीज को समझते हैं तो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। ठीक है बेटा, आ गई सबको बात समझ में कैसे आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है? तो बस इन चीजों को देखो, आंसर निकालो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। जल्दी बोलो, ये बात समझ में आ गई क्या? आंसर आ गई, कोई दिक्कत नहीं आई। हमें सारी चीजें पहले भी समझ आती थी, आज फिर हम लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, अरे भैया क्लैरिटी है, सोच लो वापस, दोबारा से सोच लो। ठीक है, क्योंकि अब इस कहानी को बेटा मैं इंक्लाइन पर ले जाऊंगा। अब इस कहानी को मैं कहां ले जाने वाला हूं बेटा? इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ले जाने वाला हूं। और जैसे ही ये कहानी इंक्लाइन पर जाएगी तो आप लोगों को बेटा मजा आने वाला है। ठीक है, कैसे मजा आएगा सर, देख लेते हैं। तो आओ चलो देखें, लेट्स मूव ऑन एन इंक्लाइन। मैं गया बेटा अब की बार इंक्लाइन पर, और इस इंक्लाइन के ऊपर मैंने जो क्यूब है ना बेटा, उसको प्लेस कर दिया। यस, हियर इज द क्यूब विच इज प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन। क्यूब जो है बेटा, उसका मास आपको 2 किलो दे रखा है, और साइड वही ले लेता हूं मैं तो, 4 मीटर वाली तो ठीक रहेगा। ठीक है, और क्या, 2 किलो 4 मीटर, स्टैंडर्ड डेटा लेकर चलते हैं। यह हमारा क्यूब, मास कितना दे रखा है बेटा इसका, 2 किलो, और साइड जो है वो कितनी दे रखी है आपको, 4 मीटर। ऊपर लिख देता हूं अलग से, है ना, 2 किलो 4 मीटर का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, एंगल आपको दे दिया बेटा 37 डिग्री, और इस बार फ्रिक्शन जो है वो भी दे दिया 0.4। हाँ, फ्रिक्शन कोफिशिएंट के बाद म्यू एस जो है वो आपको कितना दे रखा है, 0.4 के बराबर, और एंगल दे रखा है बेटा आपको 37 डिग्री के बराबर। ठीक है, अरे जल्दी बोलो, आपको बताना है ये टॉपल होगा यस और नो, बस यही आपका क्वेश्चन, विल दिस क्यूब टॉपल और नॉट। टेढ़ा क्यों बन रहा है यार, ये क्यूब टॉपल होगा यस और नो? ठीक है, विल दिस क्यूब टॉपल, बोलो भाई जल्दी से, क्या इस वाले क्यूब के साथ टॉपलिंग होनी चाहिए, हाँ या ना, जल्दी से कर दो। सोचो अब की बार कौन घुमा रहा है, अब की बार इसको घुमाने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो चलो आओ देख, ठीक है, देखते हैं, चलो आओ। ठीक है, तो अपन तो इसका एफवीडी बना लो, सबसे पहले क्या बना लो, एफवीडी बना लो, और एक काम करो फ्रिक्शन की वैल्यू भी निकाल लो। अगर मैं फ्रिक्शन की वैल्यू लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा, म्यू एम जी कॉस थीटा, याद है ना सबको भाई, इसके एम जी के कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, और एम जी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, अभी निकाल लेते हैं। म्यू की वैल्यू है बेटा 0.4, एम जी की वैल्यू हो गई 20, और कॉस 37, कॉस 37 की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, 4/5, तो 0.4 × 20 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, तो बेसिकली 5 से ये 4 बार चला गया, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, यानी कि ये हो गया 6.4 न्यूटन। तो आप लोगों को जो फ्रिक्शन लगता हुआ यहां पर दिखेगा ग्राउंड के अबाउट, ग्राउंड के ऊपर मतलब इंक्लाइन के ग्राउंड यानी बेस पर, वो कितना होगा बेटा, 6.4 न्यूटन। ये आपका फ्रिक्शन है, ये क्या है आपका फ्रिक्शन, जो कि ग्राउंड के ऊपर लग रहा है। अच्छा, जो इसका एम जी साइन थीटा वगैरह सब कुछ लग रहा था, वो तो बेटा सेंटर पे ही लग रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो अगर एम जी साइन थीटा में निकालूंगा तो 12 आ जाएगा, साइन 37 है ना, तो ये कितनी फोर्स आ गई बेटा, 12 न्यूटन, और यहाँ पर ये वाली फोर्स कितनी आ गई बेटा, 16 न्यूटन, 2 किलो का है ना बेटा, तो ये 16 न्यूटन, राइट। अच्छा, नॉर्मल जो इसका यहाँ पर लगता वो अब यहाँ नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन का टॉर्क इसको घुमाने की कोशिश करेगा, और नॉर्मल बोला मैं तेरे को घूमने नहीं दूंगा। तो नॉर्मल को सोच, नॉर्मल को कहां शिफ्ट होना चाहिए, नॉर्मल को राइट शिफ्ट होना चाहिए या लेफ्ट शिफ्ट होना चाहिए, देख जरा। तो अगर सेंटर के अबाउट में टॉर्क लिखने की कोशिश करेगा, तो सेंटर के अबाउट जब टॉर्क लिखा है तो फ्रिक्शन का टॉर्क किधर है बेटा, आर इधर है, आर की वैल्यू इधर नीचे की तरफ ऐसे, और फोर्स आपकी उधर है पीछे की तरफ, तो आर क्रॉस एफ बाहर। अब तेरे को नॉर्मल का टॉर्क इसके ऑपोजिट लाना है, अगर तूने नॉर्मल को नीचे की तरफ शिफ्ट किया तो आर इधर एफ इधर, तो अंदर आ जाएगा, अगर यहां किया तो ये भी कहां जाएगा बेटा, बाहर। अरे जल्दी बोल, तो नॉर्मल की शिफ्टिंग कर और मेरे को बता जल्दी से कहां शिफ्ट होगा, डू इट। अरे नीचे शिफ्ट होगा या बाहर या आगे की तरफ पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, ये पूछा है मैंने तो तेरे से। पहले इस वाले फ्रिक्शन की जो फोर्स है, इस फ्रिक्शनल फोर्स के टॉर्क की डायरेक्शन देख कहां पर है, जल्दी देख, आर किधर करेगा, नीचे की तरफ फोर्स उधर, आर इधर फ्रिक्शन इधर, तो बाहर आया, यस और नो? यस सर। अब मान ले तू पिछले क्वेश्चन की तरह इसको समझे और नॉर्मल को पीछे शिफ्ट कराने के चक्कर में लगा रहे, और तूने नॉर्मल को इधर शिफ्ट करा दिया, तो इफ नॉर्मल इज बीइंग शिफ्टेड हियर, तो आर क्रॉस एफ, तो ये तो बाहर आ गया यार, ये तो टॉर्क सपोर्ट कर गया,
तो नॉर्मल को कहां शिफ्ट होना चाहिए? सोच अगर नॉर्मल यहां शिफ्ट होता तो आर क्रॉस एफ अंदर आ जाता, तो मजा आ जाता। तो इसीलिए इसके अंदर जो नॉर्मल की शिफ्टिंग है वो नीचे की तरफ है, अलोंग द इंक्लाइन नीचे शिफ्ट होगा। तो अगर मैं इस ब्लॉक को अलग से बनाऊं तेरे लिए, ठीक है, खास तुम्हारे लिए दोबारा से अगर बनाने की कोशिश करूं इस वाले ब्लॉक को, तो आप लोगों को क्या नजर आता है बेटा कि पीछे तो लग गया आपका फ्रिक्शन, ठीक है, नॉर्मल आप लोगों का शिफ्ट हो गया बेटा आगे, एंड लेट्स से के एक्स के बराबर इसकी शिफ्टिंग हो गई, ठीक है, ये आप लोगों का नॉर्मल। अभी क्लैरिटी है ना बेटा? अच्छा एमजीएमजी तो देख सेंटर पे ही लग रहे हैं, तो उनके टॉर्क से तो कोई लेना देना ही नहीं है, सेंटर के अबाउट ही हम लोग सब लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ फ्रिक्शन का शुड बी इक्वल टू एन इन टू एक्स नॉर्मल का, यही कहानी होगी, ठीक है बेटा। आर क्रॉस एफ किसका बेटा? फ्रिक्शन का शुड बी इक्वल टू एन इन टू एक्स नॉर्मल का टॉर्क। तो हम लोगों ने क्या लिखा, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर दिख ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने लिखा बेटा एन इन टू एक्स शुड बी इक्वल टू एफ इन टू आर। आर का मतलब यहां पर क्या है बेटा? आर का मतलब इसकी साइड कितनी है? 4 मीटर। तो ये वाली लेंथ आपके पास में 2 मीटर हो जाएगी, ठीक है, तो दिस विल बी व्हाट, 2 मीटर्स, तो 2 into f हो जाएगा। तो बेसिकली n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है बेटा mg cos theta यानी 16 मल्टीप्लाइड बाय x जो मुझे पता नहीं, शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन यानी 6.4 और r की वैल्यू 2। यहां से देखिए बेटा x की वैल्यू क्या आ रही है, 6.4 into 2 divided by 16, 2 by 16 8 होता है बेटा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 8 और 8 8 64 होता है, तो x की वैल्यू आई 0.8 मीटर। वाओ, अगर बेटा x की वैल्यू 0.8 मीटर आई है तो आपका नॉर्मल 0.8 मीटर ही सरकेगा, आपका नॉर्मल क्या होगा, सिर्फ 0.8 मीटर सरकेगा। नॉर्मल सरक कितना सकता था? 2 मीटर। हमने क्या बोला कि नॉर्मल सरक सकता था 2 मीटर, मैं यहां पर लिख देता हूं कि नॉर्मल सरक सकता था 2 मीटर बट सरका सिर्फ, बोलो जल्दी से, 0.8 मीटर। इसका क्या मतलब है? टॉपलिंग नहीं होगी, पलटी नहीं मारेगा। अरे भैया बात समझ में आई, किसी प्रकार की कोई टॉपलिंग यहां पर नहीं है। अब आई बेटा क्लैरिटी किस तरह से करना है? तो ये जो सवाल है इनको क्या अप्रोच रहती है, कैसे इनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, इस चीज को समझें। आप लोगों को टॉर्क बैलेंस लगाना होता है। बेसिक काम क्या है बेटा हमारा? टॉर्क बैलेंस है। अगर टॉर्क बैलेंस आपने सही लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर टॉर्क बैलेंस सही नहीं लगाया तो दिक्कत ही दिक्कत है।